Hey guys and welcome back to Beast Car Details. So आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं Mini Cooper S Convertible जो है 2021 facelift वाला मॉडल ही है। So डिटेल रिव्यू रहेगा तो वीडियो के अंत तक वॉच करना। उससे पहले अगर आप चैनल पर रिव्यू आए तो वीडियो जो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिस बेल कॉल कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रंट लुक दिया गया मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल में फेसलिफ्ट 2021 मॉडल में। कुछ ऐसे कीज दिया गया जिसमें आपको अनलॉक का बटन, रियर टेल गेट एंड लॉक का बटन दिया गया है। मिनी कूपर का टिपिकल डिजाइन में कीज दिया गया है। तो फ्रंट पे दिया गया है मिनी का लोगो विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम इंसर्ट। इधर आपको मिल जाता है मल्टीबीम मैट्रिक्स प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स। इधर आपको डीआरएल्स दिया गया है विद सीक्वेंसर इंडिकेटर, क्रोम फिनिश मिल जाएगा आपको। एंड ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दिया गया है। इसका बैज मिल जाएगा आपको डोल टोन। इधर आपको एयर इनटेक के लिए दिया गया है, एयर कर्टेन बुक कह सकते हो आप। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में बम्पर्स दिया गया है पूरा स्पोर्टी लुक्स पे। इधर आपको साइड का लुक दिया गया है। इधर आपको मिल जाएगा वॉशर्स, बोनेट पर आपको स्क्रीज लेंस दिया गया है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स दिया गया है इसमें। जैसे आपको अलॉय व्हील्स दिया गया है, डुअल टोन अलॉय व्हील्स, मिनी का लोगो मिल जाएगा आपको इधर। अगर हम बात करें टायर साइज के बारे में, 205x45 R17 का आपको अलॉय व्हील्स दिया गया है इस पे। साइड क्लैडिंग्स भी दिया गया है, काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है इसमें। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओरियम्स दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। इधर आपको इंडिकेटर्स दिया गया विद एस बैच एंड क्रोम फिनिश हनीकॉम डिजाइन में। नीचे आपका एंटीना दिया गया है, इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा दिया गया इसमें। इधर से आप भर सकते हैं पेट्रोल। जैसे आपको रियर का लुक दिया गया है मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल में, रियर डिफॉगर दिया गया है, इधर कन्वर्टेबल रूफ मिल जाता है, यह आ गया ब्रिटिश फ्लैग एलईडी टेल लैम्प विद क्रोम फिनिश। इधर आपको दिया गया पियानो ब्लैक फिनिश विद मिनी लोगो, रियर कैमरा दिया गया है इधर विद लाइसेंस प्लेट का लैम्प्स एलईडी में, ऊपर इसका बैजिंग दिया गया है, डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिल जाएगा आपको। आपको हनीकॉम डिजाइन में आपको बम्पर दिया गया विद द रियर सेंसर्स। चलिए आप खोलते हैं रियर टेलगेट। तो इसमें आपको मिल जाता है 160 liters का बूट स्पेस। इधर से आप सीट को स्प्लिट कर सकते हो। अगर आप सीट को फोर कर ले तो इसमें आपको 200+ liters का बूट स्पेस मिल जाता है। आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा अंदर, नीचे काफी अच्छा स्पेस दिया गया, टूल किट दिया गया, साइड पूरा सामान मिल जाएगा आपको इधर टूल किट का। इधर आपको मिल जाता है स्टॉप लैम्प। चलिए अब टेल गेट को बंद कर देते हैं, चलते हैं। चलिए अब खोलते हैं इंजन बे। इधर आपको लीवर दिया गया है, इसमें आपको दो बार खींचना पड़ेगा तब खुल जाता है फ्रंट बोनेट। इसमें आपको हाइड्रोलिक बोनेट मिल जाता है। फ्रंट पे आपको ऊपर दिया गया था इंसुलेशन गार्ड,
बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जो आपको मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल में दिया गया है। इसमें आपको 2000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो जनरेट करता है 198 bhp एंड 218 न्यूटन ऑफ टॉर्क। 0 to 100 जस्ट ये 7.1 सेकंड में अचीव कर लेता है एंड इसका टॉप स्पीड जो है 235 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में 3.8 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है। फीचर्स अगर हम बात करें तो डुअल फ्रंट एयरबैग्स, क्रैश सेंसर, ABS, ब्रेक असिस्ट, रियर कैमरा, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट, फर्स्ट एड किट, रन फ्लैट इंडिकेटर मिल जाएगा आपको इस पे, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर सेंसर्स, जिस फीचर्स आपको इसमें दिया गया है। चलिए आपको एक बार रूफ खोल के दिखा देता हूँ ऊपर का। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर साइड। इधर आपको मिल जाता है क्रोम डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर। इसमें आपको फ्रेमलेस डोर दिया गया है जो काफी अच्छा लुक दिया गया है। इधर आपको मिल जाता है क्रोम डोर हैंडल्स। इधर आपको लॉक एंड लॉक का बटन दिया गया है, ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके नीचे आपको एम्बेड लाइटिंग मिल जाता है, सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया विद लेदर। इधर आप कंट्रोल्स दिए फॉर द इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORBMs, पॉइंट डिस्क कंट्रोल एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंड इसमें आपको स्टैंडर्ड म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। एंड आपको मिनी कूपर का स्कफलेट दिया गया है, मिनी कूपर एस का डैशबोर्ड का व्यू दिया गया है इसमें। आपको दिया गया एसी विंस, जैसे आपको सीट्स दिया गया है फैब्रिक लेदर सीट्स। नीचे आपको एडजस्टमेंट का दिया गया पूरा सीट्स का, लिफ्ट करने के लिए दिया गया, पीछे रिक्लाइन करने के लिए मिल जाएगा एसी विंस। इस साइड आपको पूरा डैशबोर्ड काफी अच्छा दिया गया है इसमें। नीचे आपको हेडलाइट्स कंट्रोल्स मिल जाता है एंड इधर आपको पूरा कंट्रोल्स दिया गया है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है एंड इधर आपको मिनी का लोगो मिल जाएगा। पैनल ब्लैक फिनिश में एयरबैग का साइन दिया गया है, पैनल ब्लैक फिनिश, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है आपको इसमें एडजस्टमेंट में। एंड इस साइड आपको कंट्रोल्स दिया गया फॉर द वाइपर्स एंड इस साइड आपको कंट्रोल्स दिया गया फॉर द लाइट्स, इंडिकेटर्स एंड ऑल। आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा ऊपर, आपका एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाता है वुडन फिनिश में। नीचे आपको एंड यह आगे डिस्प्ले 10 इंच का आपको डिस्प्ले दिया गया इसमें, सर्कुलर डिजाइन में आपको डिस्प्ले दिया गया इसमें। इसमें आपको बोर्ड सर्विस जीज दिया गया है इसमें, रेडियो दिया गया, इधर वॉल्यूम कंट्रोल्स, तो ये आगे मेन स्क्रीन जिसमें आपको FM नेविगेशन मिल जाएगा, माई मिनी कनेक्टेड फीचर्स मिल जाता है इसमें, बहुत सारा आपको नोटिफिकेशन का दिया गया है, मीडियम आपको बहुत सारा कंट्रोल्स दिया गया इधर, FM पूरा कंट्रोल्स दिया गया, सेटिंग्स, नेविगेशन का आ गया, ये माई मेन्यू का सेटिंग्स मिल जाएगा आपको पूरा। आपको सर्कुलर डिजाइन में एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाता है, अभी येलो कलर लाइट है। एसी विंस का कंट्रोल्स मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आउट ऑफ का बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, स्पोर्ट ग्रीन मोड्स का बटन दिया गया है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। इसके नीचे आपको उधर दिया गया है USB का सॉकेट्स दिया गया है। इधर आपको दिया गया कप होल्डर, इसका अंदर स्पेस भी है,
काफ़ी एक्स्ट्रा एस्ट्रेज कप होल्डर दिया गया है। एंड इधर आपको मिल जाता है एक बटन्स दिया है बहुत सारा, जिसमें आपको मीडिया का कंट्रोल्स मिल जाएगा, मेन्यू, मैप, नेविगेशन, इधर से आप ऑपरेट कर सकते हैं डिस्प्ले। एंड इधर आर्मरेस्ट का कुछ स्पेस, साइड में आपको स्पीकर्स दिया गया इसमें। ग्लोव बॉक्स के अंदर कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको। आपको पूरा कंट्रोल्स दिया गया है, जिसमें आपको मिल जाता है लाइट्स का कंट्रोल मिल जाएगा ऊपर, कैबिन लैंप का। ये आपको रूफ का कंट्रोल्स दिया गया है, ओपन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करने से रूफ ओपन हो जाता है। ये आपको मिल जाएगा सनसेट के लिए, जिसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, सेट दिया गया है। इधर लाइट का बटन भी दिया गया उधर। नीचे आपको मिल जाता है डेड पेडल एंड ब्रेक एंड एक्सीलेटर। लिफ्ट चलते रियर सीट पे। इधर से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, फ्रंट सीट को। इधर आपको लीवर जैसे दिया गया है। इधर आपको मिल जाता है आइसोफिक्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा आपको इधर। काफी अच्छा व्यू दिख रहा होगा आपको इधर। एंड इधर आपको मिल जाएगा डिजिटल MID दिया गया है, हेडलैम्प्स कंट्रोल मिल जाएगा आपको इधर। ये तो पूरा डिटेल्स अबाउट द ऑल न्यू मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल मॉडल के बारे में, 2021 फेसलिफ्ट मॉडल का। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिस बेल कॉल कर दीजिए। मिलता हूं आप सब लोग साथ एक नया वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।